हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लीग्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 अपनी पूरी आबो ताब के साथ लाहौर कजाफी स्टेडियम में जारी है। कल बड़ा डाकरा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होने जा रहा है, जिससे यह फैसला होगा कि इस सीजन का चैंपियन कौन है। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान का आज एक बहुत ही अहम फाइनल मैच से पहले जो है वो ट्रेनिंग सेशन जारी है लाहौर में, और पूरी टीम जो है वो इस वक्त ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है। और मोहम्मद रिजवान की क्यादत में पूरी टीम ने पहले वार्म अप किया और उसके बाद बॉलिंग और फिर बैटिंग प्रैक्टिस भी की गई, फील्डिंग प्रैक्टिस भी की गई। इस वक्त मुल्तान सुल्तान वाहद टीम है जो PSL तमाम सीजन में 10 में से 9 मैच जीती, सिर्फ एक मैच PSL में हारी है मुल्तान सुल्तान इस सीज़न सिर्फ लाहौर कलंदर से। तो एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है, फाइनल मैच है कल इतवार वाले दिन, बड़ा मुकाबला मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। अब देखना ये होगा कि दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान जो है वो अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करती है और इस साल भी चैंपियन बनती है, या लाहौर कलंदर जो आज तक जो है वो चैंपियन नहीं बन सकी, अब पहली दफ़ा चैंपियन बनती है या लूज़र रहती है हमेशा की तरह। तो बड़ी बेहतरीन जो है वो एक बड़ा मैच होने जा रहा है। लाहौर कलंदर के फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लाहौर कलंदर फाइनल में पहुंची, होम क्राउड होगा लाहौर का, तो देखना ये होगा कि मुकाबला किस तरह का होता है। शायकीन क्रिकेट एक सनसनीखेज मुकाबला चाहते हैं, कांटेवार मुकाबला चाहते हैं, बॉल टू बॉल मैच चाहते हैं। तो लग यही रहा है कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम पूरी जेल है और लाहौर कलंदर की टीम भी बड़ी टीम है, नई क्यादत है, लेकिन इस वक्त पूरी टीम जो है वो मुतहद है। कल जिस तरह उन्होंने एक सनसनीखेज मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी ओवर में शिकस्त दी, तो इसी तरह मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की क्यादत में बहुत ज़्यादा जेल है। तो लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान फिर भी फेवरेट टीम है। मैं आपको कजाफी स्टेडियम से PSL की तमाम अपडेट्स देता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।